हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग से एक टिप शेयर करना चाहती हूँ जिसमें आपको एक मतलब नाइट क्रीम या नाइट सीरम, या इसे आप नाइट जेल कह सकते हैं, ये बना के रेडी हो जाएगा। और इसके लिए आपके आपका कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स यानी दो चीज़ों से हम ये चीज़ बनाएंगे, जिसपे दोनों ही चीज़ आजकल सबके ही घर में अवेलेबल रहते हैं। तो पहली चीज़ है ये कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल मैं वैसे तो ये वाला प्रेफर करती हूँ फेस के लिए, लेकिन ये सबके घर में नहीं होता है, तो हम यूज़ करेंगे ये पैराशूट वाला नॉर्मल ऑयल। और दूसरी चीज़ हम ये एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे। अगर एलोवेरा जेल आपके पास नहीं है, कोई पौधा है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाथ पे लेंगे ये एलोवेरा जेल, थोड़ा सही लेंगे क्योंकि मेरा मुंह वैसे वीडियो में बड़ा लग रहा है, पर उतना बड़ा है नहीं, छोटा ही है। अब उसके बाद वैसे इसमें से ये निकल सकता है, लेकिन इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि ठंड आ गई है और ये अंदर से शायद जम गया होगा। ये दोनों हमने ले लिया है, सॉरी, ये दोनों हमने ले लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ में। अब इसको अपने चेहरे पे लगाएंगे। अब इसको हम मसाज करेंगे चेहरे पे पूरे 5 मिनट के लिए। डायरेक्शन वैसे मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना पता है कि डायरेक्शन आपका फेस का जो अगर आपका फेस में फैट है, तो आप डायरेक्शन इस तरह से नीचे की तरफ ले जाएंगे, और आपका फेस में फैट नहीं है तो आप इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो मेरे फेस में फ़िलहाल फैट है, तो इस वजह से मैं इसे नीचे की तरफ रब करूँगी इस तरीके से। अगले 5 मिनट तक हम इसे इसी तरह रब करते रहेंगे, और मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि रात में भी आपका स्किन ग्लो करेगा और सुबह उठ के ये जो पूरा चिपचिपापन है, ये आपके चेहरे में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि ये एब्जॉर्ब होने के बाद आपका चेहरा जो है वो ऑयली तो नहीं हो जाएगा? नहीं, वो आपका चेहरा ऑयली नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ऑयल यूज़ करते हैं तो आपका चेहरा ऑयली होता है, वरना आपका चेहरा ऑयली नहीं होगा अगर आप एलोवेरा के जेल के साथ इसे अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारी क्रीम्स आजकल आती हैं, नाइट क्रीम्स आती हैं, जिसको लगा के सुबह हम अपना फेस वॉश करते हैं, हमारे चेहरा ग्लो करता है। लेकिन आप मेरा बिल्कुल यकीन मानिए और इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आप ये वाला जो ट्रिक है, या ये वाला जो रेसिपी, तो खाने को कहते हैं ना, रेसिपी नहीं कह सकते, क्या बोलेंगे इसको, ये मेकअप हैक नहीं, मेकअप तो नहीं है, ये स्किन केयर टिप है ये। हाँ, स्किन केयर टिप है ये। तो ये वाला जो टिप है, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें, और इसको अपने चेहरे पे हर रोज़ नहीं तो कम से कम वीक में आप 3 से 4 दिन अप्लाई करें। ठीक है, डेली अप्लाई करेंगे तो और अच्छी बात है। रोज़ अपना चेहरा सुबह उठ के बिना केमिकल्स वाले फेस वॉश से धो लें। नॉर्मल वाटर, फ्रेश वाटर से भी धो सकते हैं, लेकिन आप फेस वॉश से धो लेंगे तो जो बचे हुए रेसिड्यू पार्टिकल्स होंगे, जो कि अंदर अब्जॉर्ब नहीं हुए, वो साथ में निकल जाएंगे, और आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा। और ऐसा ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन आपको फ़र्क थोड़ा बहुत तो एक दिन में भी दिखेगा। और ये चीज़ आप कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आप देख पाएंगे, और आप लोग का शायद मुझे थैंक्स बोलने का मन कर सकता है। ओके, सॉरी। तो फाइनली आप मुझे थैंक्स ना भी बोले, आप इस ऐप को ट्राई करें, इस ट्रिप को ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा। हाँ, अगर आपको कोकोनट ऑयल से किसी भी तरह की कोई एलर्जी है, या एलोवेरा जेल से एलर्जी है, तो आप इस ट्रिप को फॉलो ना करें, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा है। वैसे ज़्यादातर लोगों को इन दोनों चीज़ों से एलर्जी नहीं होती है, और उनका चेहरा बहुत ही अच्छा